गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, दिस इज़ अवर 20th लेक्चर ऑफ CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड वी हैव कम्प्लीटेड 6 पेपर्स फ्रॉम 2011 टू 2016। और लास्ट लेक्चर में हमने 2017 का पेपर स्टार्ट किया था और इसके हमने 16 साम्स जो से वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज इसका ये पार्ट टू है और इसके 17 से लेकर हम साम्स करेंगे अब। और सेक्शन सी हमारा चल रहा था इसका, तो 17 सम क्या है हमारा। 17 सम की स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये है हमारा जो सम है। इवेल्युएट करना आपने 0 से पाई लिमिट्स है, ठीक है। एक्स टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। सबसे पहले बच्चों आपने सीकेंट और टेन को साइन एंड कोज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये होगा सीकेंट एक्स वन ओवर कोज एक्स, ये साइन एक्स अपॉन, इस तरह से आपने सारा कन्वर्ट कर देना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी आपके पास। इसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी लगानी है, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a-x) dx। ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, देखो, ठीक है। और साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है। इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई, ठीक है। तो जो आई जो वन थी आपके पास, वन एंड टू दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारा एक्स चला जाएगा इसमें और हमारे पास जो बचेगा वो ये है। जीरो से ये लिमिट्स हमारी है, जीरो से ए नहीं है, जीरो से पाई है, ठीक है बच्चों। जीरो से पाई आपका ये, और ये जब आप इसको पाई कॉमन आ जाएगा, जीरो से पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं, हम ये ऐसे करते हैं, वन इसमें ऐड कर देते हैं, वन प्लस साइन एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। तो इसके बाद क्या करना है, ये जो वन प्लस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स, इसको आपने सेपरेट कर देना है। जीरो टू पाई है तो ये हो जाएगा वन, मतलब डी एक्स हो जाएगा माइनस 0 to π वन ओवर वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इस वन प्लस साइन एक्स को हम क्या करेंगे, वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका पाई इंटू एक्स की लिमिट 0 से पाई माइनस 0 to π वन माइनस साइन एक्स अपॉन, ये कितना हो गया आपके पास, वन माइनस साइन एक्स के, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं सीधा ही कॉस स्क्वायर एक्स लिख रही हूँ, उसको इस तरह से करना आपको। इसको इज इक्वल टू माइनस 0 to π, ये सारा एज इट इज़ मैंने जो लिखा है, इसको अलग से कर देते हैं, वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से π साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, इसको आप सेकेंड टेन में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स बनेगा, ठीक है बच्चों। ये बन गया आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, ठीक है। ये 0 से π आ गया प्लस सेकेंड एक्स टेन एक्स का आपको पता ही है, ये सेकेंड एक्स होता है, ठीक है बच्चों। और इसमें आपने लिमिट्स लगा देनी है। तो इस तरह सारा आपने सम सॉल्व कर लेना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा लास्ट में वो मैं लिख देती हूँ, आप इसको टैली कर लेना, पाई बाई टू इंटू पाई माइनस टू, ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप कर सकते हैं इजीली सॉल्व। अब इसका एक और पार्ट आया था, वो है हमारे पास 1 to 4। अब इंटीग्रेशन किसका है, एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स माइनस टू का मोड प्लस एक्स माइनस फोर का मोड डी एक्स। तो जो लीनियर फैक्टर्स आप इसमें देख पा रहे हैं उसमें हमारा 1, 2 और 4 है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया 1, 2, 4। अब जब एक्स आपका यहाँ पर होगा, 1 से 2 के बीच में होगा एक्स यहाँ पर, तो एक्स 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो एक्स आपका जो है, मतलब जब 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव होगा आपका, मतलब 1 की राइट हैंड साइड में जा रहे हैं अब, तो ये सारा जो है हमारा पॉजिटिव बनेगा 1 से लेकर 4 तक। तो x माइनस वन का मोड पॉजिटिव आना आपके पास, ठीक है बच्चों, ये आपने समझना है। अब जब x माइनस टू की बात करेंगे हम, क्योंकि ये 2 पर ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो जब आपके पास 1 से 2 में होगा, ये यहाँ पर 1 से 2 में x जो है लेस देन 2 था, तो इसका मोड नेगेटिव हो गया। फिर 2 से 4 में जब गए हम तो x 2 से बड़ा हो गया, तो x माइनस टू का मोड पॉजिटिव आ गया। और जब x माइनस फोर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये 1 से 4 में जब हमारे पास x होगा, ठीक है, तो x जो है इसमें क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव ही होगा, 4 से लेस ही होगा हर केस में। तो इसका हमने डायरेक्ट 1 से 4 लिमिट्स कर देनी है और इसका मोड जो है नेगेटिव कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो सम बना, सारा सिंपल इंटीग्रेशन का सम बन गया, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये 23/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद है 18th सम, ये है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले आपने dy/dx के फॉर्म में लिखना है। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बन रही है आपके पास, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर
वन ऑफ पी कितना आपका 1/(1+x²dx) ई की पावर टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा गिवन इक्वेशन का, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू जो क्यू था आपका वो क्या था टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, अपॉन 1+x². तो ये तो काफ़ी ईजी हो गया, आपने क्या करना है टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देना है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो डी टी में चला जाएगा। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड आपकी बड़े सिंपल सा बन गया टी की पावर टी डी टी हो गया, जो कि काफ़ी सिंपल है। ये इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड फंक्शन ले लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये आगे टी इंटू की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने करना है। नाउ 19 सम क्या आपका, आपको शो करना है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वैक्टर्स 2i-j+k। इस तरह से बी का और सी का आपको गिवन है, तो आपने शो करना है कि ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्रायंगल के और एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी वैक्टर निकालेंगे, ए बी वैक्टर क्या होता है ओ बी माइनस ओ सी, इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड में। इसी तरह से आपने बी सी वैक्टर निकालना है, ए सी वैक्टर निकालना है। ठीक है बच्चों, ये तो आप अपने आप कर सकते हैं ना। तो अब इसके बाद इनकी मैग्नीट्यूड्स निकाली हमने, ए बी का मोड जो है आप देख रहे हो √41 आ जाएगा, बी सी का √6 आएगा और सी ए का √35 आएगा। तो आप इसको चेक करेंगे, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर आपके पास 41 आ रहा है जो कि ए बी मोड के स्क्वेयर है, तो इट मीन्स ये जो ट्रायंगल बन रही है वो कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल। अब एरिया की बात आती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ ए बी क्रॉस ए सी होगा, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है आपने आई जे के लिख के ऐसे। ठीक है, ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर ऊपर गिवन है आपको वो लिख देने हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेना आपने, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/(√210²)। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ 20th सम आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फोर पॉइंट्स विद पोजिशन वैक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, तो ये फोर पॉइंट्स कौन से हैं, ए जो पॉइंट है वो 3i-, अब अपने आप लिखना आपने, प्लस j-, 9k-, बी वैक्टर आपका 2j+3k है और सी आपके पास 2i+3j+k है। ठीक है, और जो डी वेक्टर है, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, लैम्डा के, ये के नहीं, आपने लैम्डा निकालना है फॉर विच द वेक्टर्स आर कोप्लेनर है। तो हम इसमें ए बी वेक्टर निकालेंगे पहले, वही सेम जैसे अभी ऊपर किया हमने ओ बी माइनस ओ ए करके, तो ये कितना आएगा आपका, इसको आप टैली कर सकते हैं, -2i-4j-6k। इसी तरह से ए सी वैक्टर जो है वो कितना आएगा आपका, ए सी वैक्टर आ जाएगा इसी तरह से -i-3j-8k। और ए डी वैक्टर कितना आएगा, i+λ-9k। ठीक है, तो अब आपको जो चारों पॉइंट्स कोप्लेनर गिवन है, इट मीन्स इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी ए सी और ए डी, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये क्या है, जीरो है। ठीक है, इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप जीरो कर दें सिंपली, -1-3-8-1-0 एंड λ-9 इज इक्वल टू जीरो आप सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू है -2 आपके पास आ जाएगी, यही आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद है 21st सम, देर आर फोर कार्ड्स नंबर्ड 1, 3, 5 एंड 7। कौन कौन से नंबर लिखे हैं, 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, और उसके बाद है वन नंबर ऑन वन कार्ड हो गया। ठीक है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार जो निकालिया बाहर फिर इसको रिप्लेस नहीं करना। तो एक्स के आपके पास, एक्स डिनोट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू कार्ड्स, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू कार्ड्स। ठीक है बच्चों, सॉरी, फाइंड द मीन एंड वेरियंस निकालना आपने। तो सबसे पहले आप चेक कर रहे हो, इनको चेक करें यदि हम, तो हमारे पास जो सम ऑफ द नंबर्स है एक्स कैन बी 4, 6, 8, 10 या 12 बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, वो वाले नंबर लेने हैं आपने जिनका सम 4 बनता है, तो ये कितना हो जाएगा 1, 3 एंड 3, 1। ठीक है, 1, 3, 2 नंबर हो गए ना आपके पास, देर आर 4। ठीक है, और टोटल कितना बना आपके पास, 12 हो गया, जो सब में टोटल 12 बन रहे, तो ये 2/12। ठीक है, वन पेयर और टू पेयर, 2/12 1/6 आ गया। इस तरह से करना है बच्चों आपको। फिर जिसका सम 6 बन रहा है वो कौन से पेयर है, 5, 1+1, 5, ये भी आपके पास 2/12 है, ये भी 1/6 हो जाएगा। इसी तरह से जिसका सम 8 बन रहा है
वन सेवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवन वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री फाइव फाइव एंड थ्री, पहले फाइव आ गया फिर थ्री आ गया, तो ये फोर बने, फोर बाई ट्वेल्व कितना हो गया, वन बाई थ्री हो गया। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन लेना आपने, थ्री सेवन प्लस सेवन थ्री, तो ये बना टू बाई ट्वेल्व, ये भी वन बाई सिक्स आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व में कौन कौन से आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव सेवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव सेवन फाइव इज इक्वल टू टू बाई ट्वेल्व, वन बाई सिक्स आ गया। तो इस तरह से आप देखो इसका टेबल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे टेबल बना सकते हो, मीन निकाला ना आपको, ये एक्स हो गया आपका, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो ये फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व, तो फोर पे क्या था हमारा, वन बाई सिक्स, फिर वन बाई सिक्स, वन बाई थ्री एंड वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। ठीक है, फोर क्रॉस वन बाई सिक्स प्लस सिक्स क्रॉस वन बाई सिक्स प्लस सिक्सटीन बाई एट, सिक्सटीन बाई सिक्स हो गया, सिक्स कर दिया ना हमने इसको, प्लस टेन क्रॉस वन बाई सिक्स प्लस ट्वेल्व क्रॉस वन बाई सिक्स, तो इसको सॉल्व करके एट आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने ये निकाल लेना है, एक्स स्क्वेयर इंटू पी एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर इंटू पी एक्स निकालेंगे हम, तो ये कितना आएगा, एक्स का स्क्वेयर हो गया सिक्सटीन क्रॉस वन बाई सिक्स प्लस फिर थर्टी सिक्स क्रॉस वन बाई सिक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर प्लस क्रॉस वन बाई थ्री प्लस हंड्रेड क्रॉस वन बाई सिक्स प्लस वन फोर्टी फोर अपॉन सिक्स आ गया। तो इसको सॉल्व करके बच्चों आपके पास आएगा टू हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन थ्री आ जाएगा। तो वेरियंस क्या होती है, वेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस म्यू मीन, तो ये हमारे पास आ गया था 212 अपॉन 3 माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस म्यू स्क्वायर होता है यहाँ पर। ठीक है, मीन का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके आपके पास 20 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, ये प्रोबेबिलिटी का सम है, इट इज़ नोन दैट 30% हैव 100% अटेंडेंस, 30% की 100% अटेंडेंस है। ठीक है बच्चों, और 70% जो बच्चे हैं वो क्या है, इरेगुलर। प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड। ठीक है, 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड एंड 10% ऑफ इरेगुलर स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द स्कूल एंड क्या है, वॉज फाउंड टू हैव एन टू हैव अ ग्रेड ए। ठीक है, वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज़ 100% अटेंडेंस, इज रेगुलरिटी रिक्वायर्ड ओनली इन स्कूल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये तो आपको क्लियर है कि रेगुलरिटी तो हर एक फील्ड में चाहिए आपको। ठीक है, इसकी आप इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो क्या निकालें, वट इज़ द प्रोबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज़ 100% अटेंडेंस होनी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट ए डिनोट्स द इवेंट इवेंट दैट द स्टूडेंट हैज 100% अटेंडेंस, और जो बी डिनोट कर रहे हैं जब वो इरेगुलर है। ठीक है बच्चों, तो ई हम ले लेते हैं, ई क्या है, डिनोट्स द इवेंट दैट द स्टूडेंट हैज ए ग्रेड, स्टूडेंट का ए ग्रेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी आपके पास बच्चों, 30/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 17/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए क्या होगा फिर, ई अपॉन ए क्या होगा, 70 आपको गिवन है, 70% ऑफ हैविंग ए ग्रेड। ठीक है, 70/100 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी क्या होगा, ये आपको 10 गिवन है, 10/100 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज़ 100% अटेंडेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आपको निकालना है। तो इसमें बेस थ्योरम लगाएंगे, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आपको पता है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी आ गया, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, 30 अपॉन 100 क्रॉस 70 अपॉन 100 अपॉन, इस तरह से आप सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस 10 अपॉन 100। तो इसका आंसर जो है सॉल्व करके 3/4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग का सम, इसमें अब स्टेटमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, मैक्सिमाइज करना जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई को सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, एक्स प्लस टू वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई इज लेस दैन और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल, x पॉजिटिव y पॉजिटिव है ये आपके पास, एक लाइन और है, 2x प्लस वाई इज लेस दैन और इक्वल टू 200, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन है आपके पास, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो गिवन ही होता है आपको, ठीक है। तो हम इनको लाइनों को ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो लाइन बनेगी आपके पास, इसमें एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को, ठीक है। तो ये 150 की लाइन बनेगी ऐसे, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर कहीं 50 होगा, तो इसको ज्वाइन कर देना आपने, ठीक है। ये जो पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, ये फर्स्ट लाइन आ गई आपके पास, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, तो इसके ऊपर वाला एरिया लेना हमें, ठीक है। ये सारा ऊपर वाला, इसका हम एरिया शेड करेंगे ऐसे, क्योंकि ओरिजिन वाली साइड इसमें नहीं आएगी। इसके बाद है लाइन x, 2x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये ओरिजिन में से पास कर रही लाइन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि ये आपका ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो ये भी हमारे पास कौन सा शेड आएगा, ये देखो ये वाला जो मैं रेड कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। अब थर्ड लाइन बची है आपके पास, थर्ड लाइन है मेरे पास 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 200, तो मतलब इसमें x तो वही 100 ही हो गया हमारा, ठीक है, जो y कितना होगा 200 होगा, यहाँ पर कहीं पर 200 होगा, तो ये पॉइंट मेरा बना 0 200, इस तरह से। तो मैं इसको ज्वाइन करूँगी ऐसे, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें जो देख पा रहे हैं, वो जो शेड बना तीनों का, जो कॉमन शेड बन रहा है, ये जो मैं पिंक शेड कर रही हूँ, ठीक है बच्चों, ये वाला शेड आपका कॉमन शेड बने। तो ये लाइनों को सॉल्व करके आपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, ठीक है। तो मैं ये निकाल रही हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट मेरा हो गया 0 50, ठीक है, ए पॉइंट मेरा हो गया 0 200, और जो बी पॉइंट, इन दो लाइनों को सॉल्व करके आएगा आपके पास, इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लेना, ये लाइन आपकी है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल, मतलब इज इक्वल टू 200, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लाइनों को सॉल्व करके इजीली पॉइंट्स निकाल सकते हैं, जैसे सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और सी पॉइंट होगा आपका 20 एंड 40, इस तरह से आपने निकाल लेने चारों पॉइंट्स, ठीक है। और ये डी पॉइंट ले लेते हैं हम, तो ए बी सी डी पर आपने जेड की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो ए 0 200 पर जो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई कितना आएगा, ये 400 आ जाएगा, ए 50 और बी 50 और 100 पर जेड की वैल्यू 250 आ जाएगी, आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। सी 20 40 पर जेड आएगा 100 और डी 0 50 पर जेड कितना आएगा 100, ठीक है। तो बच्चों आपके पास कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम बन रहा है, 0 200 पर ये मैक्सिमम वैल्यू बन रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सम था। इसके बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है, इसका एक सम हम कर लेते हैं, इसका 24th सम है आपके पास, ये काफ़ी सिंपल सम है। डिटर्मिन द प्रोडक्ट -4 4 -7 1 3 -5 -3 -1 इंटू 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 एंड 3, ठीक है। डिटर्मिन दिस प्रोडक्ट एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशंस, इसको लीनियर इक्वेशंस हमारे पास जो गिवन है वो है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो बच्चों आप इनके यदि कोफिशिएंट्स चेक करें, 1 -1 एंड 1, ये देखो आपके पास यही नहीं आ रहे 1 -1 एंड 1, ठीक है, और ये आ रहा है 1 -2 एंड -2, इधर देखो आप 1 -2 एंड -2, 2 1 एंड 3, ये 2 1 एंड 3 आ रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना सिंपली। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास ऐसे आएगा 8000008008। तो इसमें से यदि हम 8 कॉमन निकालें तो ये 8i हो गया आपका, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो मेरे पास मैट्रिक्स, इसको मैं ए ले लेती हूँ, इसको बी ले लेती हूँ, ठीक है बच्चों। तो जो बी मैट्रिक्स है मेरे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बन रही है मैट्रिक्स, तो बी का जो इन्वर्स है, बी का जो इन्वर्स है वो फिर क्या होगा, 1/8 इंटू ये ए मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों, ये बना आपका, ठीक है। अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था आपके पास, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यदि हम लिखें ऐसे 1-1, 1, ठीक है, फिर से 1-2 एंड -2, 2, 1 एंड 3, और ये बना xyz, और ये बना 4, 9 एंड 1, ठीक है बच्चों। तो xyz फिर क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू, ये मैंने एक मैट्रिक्स कौन सी ली थी, ये मैंने बी ली थी, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास बना बी इनवर्स इंटू 4, 9 एंड 1, तो बी इनवर्स फिर मेरे पास कितना है, 1/8 ए, 1/8, और ए मैट्रिक्स मेरे पास है थी -4, 4 एंड 4, -7, 1 एंड 3, 5, -3 एंड -1। और इसको 4, 9 एंड 1 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है, सारा सिंपली इसको भी सारा कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट में 3, -2 एंड -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक्स वाई जेड आपने इस तरह से फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सम्स को आपने, जो मैंने सारा बताया आपको, ऐसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। अब जो बाकी के सम्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।